हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत सरदार पटेल महाविद्यालय में चंद्रपुर राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग और राष्ट्रीय छात्र सेना विभाग द्वारा तिरंगा ध्वज रैली निकाली गई। तो चलिए देखते हैं यह खबर। हर घर तिरंगा अर्थात घर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत सरदार पटेल महाविद्यालय में चंद्रपुर राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग और राष्ट्रीय छात्र सेना विभाग द्वारा आयोजित किए गए तिरंगा ध्वज रैली को खासा प्रतिसाद मिला। बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्राध्यापक इस रैली में शामिल हुए थे। दौरान तिरंगा रैली अंतर्गत महापुरुषों का पुतला स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में महाराष्ट्र शासन के आदेश के मुताबिक महाविद्यालय की इमारत पर प्राचार्य डॉक्टर पी एम काटकर इनके हाथों ध्वज फहराया गया। इस समय सभी को तिरंगा प्रतिज्ञा दी गई, जिसके बाद तिरंगा रैली निकाली गई। रैली के मार्ग पर महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, स्वर्गीय राजे विश्वेश्वराव महाराज, बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मनोहर भाई पटेल, इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी एम काटकर, उपप्राचार्य डॉक्टर स्वप्निल माधव शेट्टी वार, एनसीसी के प्रमुख कैप्टन डॉक्टर सतीश खन्ना के, शारीरिक शिक्षण व क्रीड़ा विभाग के संचालिका डॉक्टर पुष्पांजलि कांबड़े, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कुलदीप आरगोड़, डॉक्टर उषा खंडाड़े, डॉक्टर वंदना खनके, डॉक्टर पुरुषोत्तम माहिरे, इन आदि के साथ प्राध्यापक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी, रसेयो के स्वयंसेवक, एनसीसी के कैडेट, विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सर्वोदय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष अरविंद सावकार, पोरेड्डीवार, कार्याध्यक्ष विधायक किशोर जोरगेवार, उपाध्यक्ष सुदर्शन निमकर, सगुना तलांडी, सचिव प्रशांत पोर्दुखे, सचिव कीर्तिवदन दीक्षित, कोषाध्यक्ष संदीप गड्डमवार, सर्वोदय शिक्षण मंडल के कार्यकारी सदस्य राकेश पटेल, सुरेश पोर्दुखे, चंद्रशेखर बड़ेगांवकर, जिनेश पटेल ने उपरोक्त उपक्रम के बारे में शुभकामनाएं दी। इस समय इस आयोजन संदर्भ में क्या जानकारी दी गई, आइए देखते हैं। सरदार पटेल महाविद्यालयाच्या वतीने राष्ट्रीय छात्र सेना आणि राष्ट्रीय सेवा योजना आणि सर्व विद्यार्थी आणि प्राध्यापक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वतीने शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार आज आपण घर घर तिरंगा आणि स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त दिलेल्या गाईडलाईननुसार आज या रॅलीचं आम्ही आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे सतत 3 दिवस महाविद्यालयाच्या मुख्य इमारतीवरती ध्वजारोहणाचाही कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे। त्याचं ध्वजारोहण नुकतंच झालेलं आहे आणि ध्वजारोहणानंतर जी शपथ विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली आहे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या भावनेतून, तसंच घर घर तिरंगा हा जो उपक्रम आहे शासनाचा, सर्वांना आम्ही महाविद्यालयात आवाहन केलेलं आहे की प्रत्येक शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, सगळे विद्यार्थी यांनी आपापल्या घरी तिरंग्याचं रोहण करावं आणि 3 दिवस तो तिरंगा तसाच ठेवावा, जेणेकरून आपल्या राष्ट्राच्या प्रति, देशाच्या प्रति एक राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना सगळ्यांमध्ये निर्माण होईल। थँक्यू। सी टी व्ही के लिए प्रतिनिधी वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।